दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर से एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई। भारत के महावाणिज्यिक दूत शशांक विक्रम के परिवार, उनके घरेलू कर्मचारी और उनके घर में आए हुए एक शिक्षक को उनके घर पर ही 8 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। राहत की बात ये रही कि लुटेरों ने किसी भी सदस्य को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका को वियना संधि के तहत राजनयिक कर्मचारियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा की ड्यूटी को याद दिलाया। भारत को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही खबर है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी भारतीय दूत शशांक विक्रम से बात कर उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय।